क्या बोलते हो मलाड की मस्त वाली मस्ती वाली पब्लिक, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आखिरी रविवार है, असलम जी का प्यार और उनका साथ हमेशा रहा है, तो जब हम लोग नेबर है इतना उनका सपोर्ट रहा है तो ऑफकोर्स मालवनी और मलाड के लोगों को तो हमेशा रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, एक बार हाथ ऊपर करके बोलो। That sounds, मतलब इतना प्यार एंड आई मस्ट से दैट के जो पिछले कुछ दो तीन साल हम लोगों ने देखे, दैट वाज़न्ट दैट इजी, बहुत डिफिकल्टीज के साथ यहाँ पहुँचना और इस तरह का प्यार मिलना मामूली बात है क्या? वेरी वेरी हैप्पी। मैं यही सामने की बिल्डिंग में रहती हूँ, ठीक असलम जी वाली बिल्डिंग में, हर रविवार देखती हूँ आपका ये जोश, आपका प्यार, आपका इतना ही लगाओ। ऑनेस्टली एज एन आर्टिस्ट एक कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है, कंसिस्टेंसी समझते हो क्या? अरे यार क्या यार, एक तरह की मेहनत को गिवअप नहीं करना और उसी तरह का जोश और पावर रख के आप सभी के लिए उतना ही प्यार देना जिस तरह से असलम जी काफी सालों से करते आ रहे हैं, राइट और रॉन्ग? हाँ कि ना? बस तो फिर मैं बस थैंक यू कहना चाहूंगी एंड यू ऑल हैव बीन वंडरफुल एज एन ऑडियंस, एज पीपल हु आर स्टैंडिंग, हु वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आई मस्ट से दैट कि मलाड मस्ती में ये जो अलग अलग तरीके से टैलेंट देखने का मौका मिल रहा है, आई थिंक अगले साल आप में से भी किसी की बारी आ सकती है कि नहीं? अरे ठंडा जवाब देते हो यार तुम लोग। हाँ देखो रश्मि, मेरी बारी भी आ गई है, मुझे भी टैलेंट को ऐसा उठा के यहाँ पे आपके बाजू में रख दिया, तो मैं तो वो सबसे लकी आदमी।